अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है मेरे फ्रेंड्स का, मेरे व्यूवर्स का और इसके अलावा मेरे लिसनर्स का। मुझे कहते हैं मोना फातिमा और आज मैं आपके साथ हाजिर हूँ मोनाज फ्लेवर के प्लेटफॉर्म पे। आज हम बहुत ही ख़ास टॉपिक को डिस्कस करने लगे हैं और वो है हमारे पास मोबाइल फ़ोन यानी कि सेल फ़ोन। सेल फ़ोन जो है वो आजकल हर बंदे की ज़रूरत है और हमें अपनों से मिलाने और प्यारों से मिलाने का एक खूबसूरत सा ज़रिया है। हर बंदे के पास 1, 2, 3 मोबाइल लाजमी होते हैं ताकि वो अपनों से रابطہ कर सके और इसके अलावा यूट्यूब यूज़ कर सके। बिल्कुल यूट्यूब, जिस पे आजकल हम काम भी कर रहे हैं और मैं इस पे वीडियो भी बना रही हूँ। सो ये बहुत ही ज़रूरी है। मोबाइल फ़ोन हमारी ज़िंदगी में एक ख़ास मकाम रखता है क्योंकि ये हमारी स्टडी के काम भी आता है और अगर कोई बिज़नेस वगैरह हम करें तो वो भी हम मोबाइल के ज़रिए ख़ुद को प्रमोट कर सकते हैं। मोबाइल फ़ोन ने इतनी ख़ास जगह ले ली है कि अब ये हमारा एक राइट हैंड बन चुके हैं और यहाँ आप देख सकती हैं कि बहुत ही प्यारे प्यारे और खूबसूरत खूबसूरत से मोबाइल लगे हैं। तकरीबन हर कंपनी का है, वीवो का लगा है, इन्फिनिक्स, और इसके अलावा यहाँ पे आपको नज़र आएगा ओप्पो का और आईफोन नज़र आएंगे आपको, और बहुत सारी यहाँ पर ब्रांड्स और कंपनीज़ के लगे थे लेकिन इनके प्राइसेस टू मच हाई। सो आपने मुझे बताना है कि कौन सा वाला जो है वो रीज़नेबल होता है। और ये देखिए, ये पुराने मोबाइल भी यहाँ पे लगे हैं तो आपको बताती चलूँ कि मेरा मोबाइल हो चुका था ख़राब पिछले काफ़ी दिनों से और फिर मैंने सोचा कि क्यों ना नया मोबाइल ले लूँ, लेकिन आज मैंने जब यहाँ पे विज़िट किया तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव हैं। सो मैंने सोचा कि क्यों ना आपसे वीडियो बनाकर आपसे पूछा जाए कि मुझे कौन सा मोबाइल लेना चाहिए और कौन सा नहीं। अगर आप मुझे गाइड करेंगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और ये जो है आजकल हर बंदे की ज़रूरत है तो तकरीबन हर बंदा इसको यूज़ करता है और आजकल स्टडी के लिए भी इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, तो ये बहुत ही अच्छा सा तरीका है इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को जानने का। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने हमारी ज़िंदगी में एक ख़ास मकाम हासिल कर लिया है। सो अब जो है वो मोबाइल होना लाजमी हो चुका है। वैसे तो बहुत सारे आप गैजेट्स वगैरह यूज़ कर सकती हैं लेकिन मोबाइल फ़ोन बहुत ही ईजी वे है, आप इसको ईज़िली कैरी भी कर सकती हैं। अब यहाँ पर आपको कुछ जो है वो इनके कवर्स वगैरह दिखाती हूँ जो कि शॉपकीपर ने मुझे दिखाए थे। बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत से इनके पास जो हैं वो कवर थे, तो आप मुझे बताइएगा कि इनकी प्राइस क्या हो सकती है। और बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत से यहाँ पे आपको मोबाइल्स कवर, इसके अलावा भी बहुत सारे कवर्स आपको मिलेंगे लेकिन जो है ये थोड़े से मैंने जो है वो चेक किए थे। तो आई होप सो आज की ये छोटी सी मेरी कोशिश भी आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आपने मुझे मशवरा देना है कि मुझे कौन सा मोबाइल लेना चाहिए और कौन सा नहीं, और कौन सा मेरे लिए बेस्ट होगा और कौन सा नहीं। वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आपने बहुत इन्जॉय किया होगा, तो मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।